ये मुच्छड़ मटन कौन सी डिश है? ये फुल इगोस्टिक मटन है सेठा, आपको चबाने को बहुत मेहनत जाएगा। लाऊं? गोश्त गंगू भाई, ये वाला एकदम सॉफ्ट है, आप देखोगे ना देखते ही पिघल जाएगा, खाने का जरूरत ही नहीं है। लाऊं? कालू की कलेजी, जल के राख हो गया इसके लिए कालू कलेजी। वेज में नहीं आपके पास कुछ? पनीर ना पसंदा, आलू बम, मक्के की रोटी, बरसों का साग, लाऊं क्या? आप लोग क्या खाते हो? अवन लोग का तो ताज से आता है ना। पानी मिलेगा? जेली वाटर की स्मेली वाटर, मिनरल वाटर, वो खाली स्टाफ लोग के लिए। आसपास में कोई और ढाबा है? है, लेकिन अपन जान नहीं देंगे। क्यों भाई? क्योंकि मेहमान अपन लोग के लिए भगवान मापी गए। अभी बोलो मैं क्या लाऊं? जो आपको ठीक लगे वो ले आओ भाई। लाओ 2000। पैसे पहले देने? ये तो टिप है अपना। ये टिप है तो बिल कितना हुआ भाई? बिल में तो अपन गोश्त लेते ना। मतलब? अरे तो इधर आदमी लोग का गोश्त मिलता है ना। उस सुबह मुच्छड़ अंकल अपनी बीबी गंगू भाई नौकर कल्लू के साथ आए थे ना, उनको अभी लंच मेन्यू में डाला। अभी डिनर में आपका डालेंगे टोपी टिक्का। क्या ए छोटू, छेड़ की बॉडी को मसाला लगा, अच्छे से लगाना। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंदुस्तान, हम है चोखा। और देख रहे हैं सब लोग पगलाया हुआ है कि नया बेब आ गया, नया बेब आ गया। हम बोले यार कोई हमको भी सिखाओ, 20 साल से वही एक पल का जीने वाला कर रहे हैं। बाद में पता चला कोविड वेब का बात चल रहा है, लेकिन हमको तब विश्वास हुआ जब अक्षय कुमार को कोविड हो गया। कहा कि भैया अगर उस आदमी का काम रुक गया तो साला सचमुच मामला गंभीर है। लेकिन कोरोना से भी हमारा बात हुआ। उसके बाबूजी बोले थे बेटा जिस दिन तुम इस आदमी को पॉजिटिव कर दोगे समझ लेना तुम्हारे अंदर बहुत दम है। वो आया तो भारत अक्षय कुमार को ही पॉजिटिव करने था, लेकिन जब ये उठता तो वो सो रहे होते थे, जब वो उठता तो ये सो रहे होते थे। एक दिन रात में निकला हमला करने तो साले सब लॉकडाउन लगा दिए, नाइट कर्फ्यू। कोरोना गुस्सा हो गया, पिटीशन डाला है कोर्ट में कि तो गलत बात है, इनके चक्कर में इतने लोग को इन्फेक्ट करना पड़ गया। लेकिन कोरोना अक्षय कुमार को पॉजिटिव किया है ये उसका भरम है। कल ही वो अपना टेस्ट कराया, साला खुद अक्षय पॉजिटिव निकला है और 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो गया ससुर का नाता। और सुने है कोनो पानी का जहाजवा कोनो नहरवा हरवा फंस गया है, का नाम बताए थे नहरवा का? सुएज, तरीके इसी में निकल जाएगा पूरा वीडियो। और जैसे मीडिया को हर चीज का ब्लेम कोनो दो लोग पे डालना होता है, यहाँ कोई मिला नहीं तो एक आंधी और तूफान पे डाल दी। लेकिन हम व्हाट्सएप सूत्रों से अंदर का खबर पता किए हैं। कप्तान साहब अपना पूरा फोकस से इजिप्ट का नहर में जहाज चला रहे थे, तभी उनके पापा का फोन आया, बोले बेटा आते हो दूठो मम्मी लेते आना। पहले कप्तान साहब का दिमाग घूमा, उसके बाद जहाज। और कांड करवाने के बाद उनके पापा बोले बेटा हम तो मम्मी रिटर्न वाला मम्मी का बात कर रहे थे। अभी कप्तान साहब होश में आते उससे पहले उनके पापा बोले बेटा अब आते हुए एक तो पिरामिड भी लेते आना, बगल वाले मिश्रा जी का पार्किंग घेरना है, कब से गमला रख के काम चला रहे हैं। बस तब तक तो जहाज हमारे नाड़े की तरफ फंस चुका था। अब आप लोग पूछिएगा कि कप्तान साहब जहाज साइड में लगा के बाकी जहाज को कहीं नहीं जाने दिए? कहे से कि भैया कप्तान साहब पहले थे हरियाणा रोडवेज में, उनका नारा ही है ना जाएंगे ना जाने देंगे। और ये क्या सुन रहे हैं कि कई लोग जोमेटो वाला से लड़ रहा है कि रिफंड दीजिए नहीं तो पूरा खाना फ्री दीजिए। देखिए भैया अपना नाक तोड़वाने का कोनो फायदा नहीं है, हमारे जीजा जी को फॉलो कीजिए, बिन बुलाए शादी में जाइए, कन्यादान का लिफाफा दीजिए और नटई तक पेल के खाइए। और खाने के बाद लड़की के बाप के सामने अड़ जाइए कि भैया देखिए लिफाफा हम दिए, कन्यादान भी हम ही करेंगे, खाना आप खा चुके होंगे, 2 लाख के साथ लिफाफा भी रिफंड हो जाएगा। बस अब इतना अच्छा उपाय बताएं बिना सब्सक्राइब किए।